बाप और बेटे के दोनों को बैंड नहीं बजा दिया तो मेरा नाम बदल दे। बाप ने पानी से वंचित किया और बेटा कहता है जले से वंचित कर। कई वचन देता है कि मेरे जीजे जी पाटुमा से ये पाटुमा जिला ले जाकर तो देखे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश तक में। मैं हूं आपके साथ रीना। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। इसी कड़ी में पांडुर्ना जिले में वरिष्ठ बीजेपी नेता खावसे के नेतृत्व में प्रकाश भाऊ उइके ने नाम निर्देशन पत्र जमा किया। नाम निर्देशन पत्र भरने के आखिरी दिन शहर के रामलीला मैदान में बीजेपी की नामांकन रैली में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने जनता को बताया, प्रकाश केवल शिवराज सिंह चौहान और केवल बीजेपी के उम्मीदवार नहीं है, यह नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद और अमित शाह के उम्मीदवार हैं। प्रकाश को पांडुर्ना से टिकट मिलेगा तो प्रकाश को ही मिलेगा और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो प्रकाश को हरा दे। नामांकन रैली के पहले बीजेपी प्रत्याशी को जनता से पूछकर बीजेपी प्रत्याशी को मंच पर विजय माला पहनाई। इसके बाद शहर के रामलीला मैदान से श्री दादाजी की टपरिया से पूजा अर्चना कर शहर में स्थापित महापुरुषों की प्रतिमा को माल्यार्पण करते हुए बैलगाड़ी पर सवार होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व विधायक मारोत राव खावसे की उपस्थिति में चुनाव रिटर्निंग अधिकारी आरआर पांडे को नामांकन पत्र सौंपा। मित्रों, ये प्रकाश केवल शिवराज सिंह चौहान को उम्मीदवार नहीं है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार हैं, ये अमित शाह के उम्मीदवार। नरेंद्र मोदी जी ने चुनकर और कहा कि पांडुर्ना से टिकट मिलेगा तो प्रकाश को ही मिलेगा, और आज जिसके साथ नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद है उसको दुनिया की कोई ताकत चुनाव हरा नहीं सकती। बीजेपी प्रत्याशी प्रकाश भाऊ उइके ने जिले के सांसद को सहजादे बोलकर नवाजा और बताया कि वो पांडुर्ना जिले को हटा देंगे। कपट भरा व्यवहार किया है, इनकी कुदृष्टि है। पिता पहले जलाशय ले गए और अब पुत्र जिले को हटाने की बात कर रहे हैं। अब गढ़ किसका नहीं है, कमलनाथ का गढ़ बोलते हैं। पांडुर्ना गोड़ राजा देवगढ़ का गढ़ है, इसमें रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करेंगे। जलाशय वापस ले गया है और जो हमारे जिले में जो इनकी कुदृष्टि है कि हम जिले को हटा देंगे, ये कुदृष्टि का परिणाम इनको शीघ्र ही चुनाव में 17 तारीख को। बाप ने पानी से वंचित किया और बेटा कहता है जिले से वंचित कर। पांडुर्ना में इनके बाप की जागीर नहीं चल रही है जो पांडुर्ना को जिला बनाने से रोक रहे, और आपके सामने आपका बेटा ये वचन देता है कि मेरे जीते जी पांडुर्ना से ये पांडुर्ना जिला ले जाकर तो देखे। वरिष्ठ बीजेपी नेता पूर्व विधायक मारोत राव खावसे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी लंबे समय के बाद बीजेपी प्रत्याशी प्रकाश उइके के नामांकन रैली में दिखे और उन्होंने बताया मुख्यमंत्री शिवराज जी ने पांडुर्ना को जिला बनाया है, जी तोड़ मेहनत कर बीजेपी प्रत्याशी प्रकाश को जिताएंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, जल्द फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। देश दुनिया और अपने आसपास की ताजा तरीन वीडियो को देखने के लिए प्रदेश तक को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही ऐसी ताजा अपडेट के लिए प्रदेश तक .com पर विजिट करें।